बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बोंग पाई बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे तीन किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मैंने वन लार्ज साइज़ का पाया ले लिया है और इसको मैंने इसे कट करवा लिया है। इसके अलावा यहाँ पे बोंग है, ये मैंने इसके थोड़े से लार्ज साइज़ के पीसेस करवाए हैं। ये 1 kg है और नली वाली हड्डियाँ हैं ये। इसका वेट भी तकरीबन 1 kg है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 में हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, इसको अदरक और लहसुन पानी के अंदर डालकर इसको 6 से 7 मिनट के लिए इसमें बॉईल करेंगे और फिर इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद स्टेप 2 में इसकी यखनी रेडी करेंगे। यखनी के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस ले ली हैं और 1 टुकड़ा अदरक का और 1 फुल मैंने लहसुन ले लिया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी ली है। और इसके अलावा यहाँ पे गरम मसाले में मैंने 2 से 3 तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं यानी कि बे लीव्स, और 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और 3 बड़ी इलायचियाँ, 5 छोटी इलायचियाँ और 7 से 8 लौंग ले लिए यानी कि क्लोव। स्टेप 3 में इसका मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ का अनियन इसको फाइनली कट कर लिया है, 1 कप योगर्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, मैं बाद में टेस्ट कर लूँगी, अगर कम लगेगा तो मैं और ऐड कर लूँगी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। ये सब जो मेजरमेंट्स हैं, ये मैं जो मेजरिंग स्पून है उसके मुताबिक आपको बताती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, और यहाँ पे जायफल पाउडर, जावित्री पाउडर मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, दोनों 1/2 टीस्पून ही जायफल पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही उससे थोड़ा सा कम जावित्री पाउडर है यानी कि मेस और नटमेग पाउडर। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे रेडी करना है। मैंने यहाँ पे पानी में 2 चम्मच अदरक और लहसुन डालकर इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब इसके अंदर ये सब हम ऐड कर देंगे, जितना भी मीट है और नली वाली हड्डियाँ हैं और पाए, और इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको बॉईल करेंगे और उसके बाद इसका पानी जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए, इसको बॉईल होते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। इसको बॉईल करने का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर से जितनी भी स्मेल होती है और जितनी गंदगी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका पानी डिस्कार्ड कर दूँगी और इससे इसमें से बाकी चीज़ें निकाल लूँगी और उसके बाद इसकी यखनी रेडी करेंगे हम। अब मैंने इसका पानी डिस्कार्ड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर मैंने वॉश कर लिया और अब इसके अंदर हम सब मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट, हल्दी, साबुत काली मिर्च, सौंफ, जीरा और जितना भी गर्म मसाला था साबुत, और प्याज, अदरक और लहसुन। और मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं। प्रेशर में ये है कि थोड़ा सा ये टाइम कम लेता है, तो आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें हल्की आग पे, और ये यखनी जब निकल आए तो फिर आप सुबह इसमें आप मसाला रेडी करके बाकी रेडी कर लें। तो मैं अभी इस टाइम पे इसको प्रेशर में बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। मसाले के लिए यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड कर दिया है और इसके अंदर अनियंस ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अनियन हमारा फ्राई हो गया, अब इस टाइम पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब इस टाइम पे हम अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये सॉल्ट,
टर्मरिक पाउडर, सूखा धनिया और रेड चिली पाउडर, और साथ ही योगर्ट भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और जब ये ऑयल ऊपर आ जाए और ये हमारा मसाला रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या करना है। इसको तकरीबन प्रेशर मैंने 1 आवर दिया है। अब इसको चेक कर लेंगे कि ये गोश्त हमारा गल गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह गोश्त गल चुका है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नली वाली जो हड्डी थी ये भी देखें बहुत अच्छे तरीके से ये रेडी हो गई है और ये अंदर मिक्स भी नहीं हुई है। और पाए चेक कर लेंगे हम। ये देखें ये पाए की बोटी भी कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखें। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इस टाइम पे ये जो जितना भी मीट है और जो पाए हैं मैं इसको अलग कर लूँगी और ये जो यखनी बनी है इसको मैं छान लूँगी और जितना भी इसके अंदर जो साबुत गर्म मसाला था उसको डिस्कार्ड कर दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला हमारा देखिए भुन चुका है और ये रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर जो पाई की बोटियाँ थी ये सारी ऐड कर दूँगी और ये साथ ही जो बोंग की बोटियाँ थी ये भी मैं ऐड कर दूँगी और इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे। इसमें मैंने जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी जो कि नली वाली हड्डियों के साथ थी उसमें से मैंने जो जितना भी थोड़ा सा जो उसमें मीट लगा हुआ था वो सब निकाल कर मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है और ये जो बस पाए की बोटियाँ हैं ये मैंने रहने दी हैं अंदर। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी 4 से 5 मिनट, उसके बाद इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। इसको मैंने भून दिया, अब इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे ये जो हम लोगों ने छानी थी। यखनी डालने के बाद इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और जायफल जावित्री का पाउडर वो ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम ऐसी हल्की आंच पे लो टू मीडियम आग पे इसको हम कुक कर लेंगे, बस ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह इसको सर्व करेंगे। इसको तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लिया। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी और हरी मिर्ची ऐड करूँगी और इसको मैं बस डिश आउट कर दूँगी मिक्स करके। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार बोंग पाए रेडी हैं। जाने से पहले आपसे हदीसे पाक शेयर करती चलूँ। अबू निसाई में हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी अमीर और हाकिम का भला चाहते हैं तो इसको अच्छा वजीर और अच्छा नाइब दे देते हैं और अगर अमीर से कुछ भूल हो जाए तो वह इसको याद दिला दे और जब अमीर सही काम करे तो इसकी मदद करे और जब किसी हाकिम और अमीर के लिए कोई बुराई मुकद्दर होती है तो बुरे आदमियों को इसके वज़रा और मातहत बना दिया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।